हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुमकुम भाग्य के बारे में, जो कि जी टीवी का काफ़ी पॉपुलर शो है। तो गाइज, जैसा कि मैं इतने महीनों से आपको लीप का बता रहा था, तो अब फाइनली लीप ले चुका है कुमकुम भाग्य। 2 साल का लीप ले चुका है और अभी और प्रज्ञा की सेपरेशन हो चुकी है, अभी की शादी तन्नु के साथ हो चुकी है और जो सब डिटेल्स मैंने आपको पहले दी थी वो सब आपको देखने को मिल रहा है अब इस टीवी शो में। ऑन दी अदर हैंड, जो रणबीर है वो अपनी रिया के साथ रिलेशनशिप तोड़ देता है और प्राची से शादी कर लेता है, जिसके साथ लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए इस सीन को देखकर। तो जैसा कि हमको बताया, अभी और प्रज्ञा की सेपरेशन हुई है, तो आने वाले एपिसोड्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो इस अपकमिंग एपिसोड्स में अभी और प्रज्ञा की इंटरेक्शन होने वाली है, यानी कि पहले तो कॉल पे उनकी बात होने वाली है। तो इतने ज़्यादा देर बाद, आई मीन इस लीप के बाद, प्रज्ञा और अभी की कॉल पर बात होगी। प्रज्ञा डायल करेगी अभी का नंबर और अभी जब भी उसकी आवाज़ सुनेगा वो एकदम से नंब हो जाएगा और वो अपनी सारी मेमोरीज रिकलेक्ट करने लग जाएगा प्रज्ञा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि प्राची और रणबीर की शादी हो गई थी और रिया ये सब को हैंडल नहीं कर पाई और रिया की मेंटल स्टेट जो कि है बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो ये सब को नहीं देख पाई कि रणबीर ने कैसे उसको बेटर किया उसके हिसाब से। तो रिया की मेंटल स्टेट भी ठीक नहीं है और अभी और प्रज्ञा में जो इतनी बिटरनेस है, इतनी लड़ाई है, इतना जो हेट्रिड है, उसमें से एक काफ़ी बड़ा रीज़न एक ये भी है कि अभी ये सोचता है कि प्रज्ञा एज अ मदर प्राची को काफ़ी फेवर करती थी, पार्शियल थी प्राची के साइड पर। और वो ये सोचता है कि प्रज्ञा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पार्शियलिटी करती थी और वो प्राची के साइड रहती थी, प्राची को फेवर करती थी, जिसके कारण रिया की ज़िंदगी बर्बाद हो गई प्रज्ञा के कारण। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है अभी ये सोचता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा हेट्रिड है। बाकी सेपरेशन वगैरह तो हो ही चुकी है इनके बीच। तो गाइस, जल्द ही प्रज्ञा आने वाली है इंडिया वापस, जो कि जैसे कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में है वो, तो इंडिया वापस आने वाली है अपना बदला लेने के लिए। और अब हमें ये नहीं पता किस तरह का बदला लेने वाली है या फिर क्या करने इंडिया आने वाली है, लेकिन जल्द ही आने वाले एपिसोड्स में आप उनकी फेस टू फेस इंटरेक्शन भी देखने वाले हैं, यानी कि आमने सामने देखेंगे अभी और प्रज्ञा को। तो जो कि लीप के बाद अभी तक नहीं हुआ है, जैसे कि फ़ोन पे उनकी बात हुई है लेकिन आमने सामने फ़िलहाल के लिए अभी के लिए नहीं आए हैं, लेकिन अपकमिंग एपिसोड्स में आपको देखने को मिलने वाला है वो। तो वो एक काफ़ी बड़ा सीन होगा जो कि कुमकुम भाग्य में आपको देखने को मिलेगा। और जब वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो क्या उनकी इंटरेक्शन होगी, कैसी होगी, कौन सी वो बात करेंगे, और वो अभी के लिए आपको अपकमिंग एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। कैसे प्रज्ञा रिएक्ट करेगी जब वो तनु की हालत देखेगी, तनु किस तरह की हो चुकी है और अभी की। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में या फिर हफ्तों महीनों में अभी और प्रज्ञा एक होंगे? बिकॉज़ फ़िलहाल के लिए तो जो सेपरेशन वगैरह का ट्रैक चल रहा है, आई थिंक काफ़ी देर तक चलेगा और इतनी जल्दी से या फिर इतनी आसानी से एक दूसरे के साथ नहीं होने वाले पहले जैसे यूनाइटेड। तो अभी के लिए तो काफ़ी देर के लिए सेपरेशन का ट्रैक चलने वाला है, लेकिन क्या कभी ये एक हो पाएंगे, आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको लीप पसंद आ रहा है या फिर नहीं, लीप के बाद वाली कहानी आपको ज़्यादा पसंद आ रही है या फिर पहले वाली को आप प्रेफर करते थे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है आपको इस लीप की कहानी। और वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए कुमकुम भाग्य के फैंस के साथ। और गाइज, सारी लेटेस्ट कुमकुम भाग्य की न्यूज़ के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, आप तक सारी कुमकुम भाग्य, जी टीवी, कुंडली भाग्य, सारी लेटेस्ट टीवी शोज़ न्यूज़ पहुँचती रहेगी अगर आप सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।